अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और टिप टॉप मज़े में होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि कुछ देसी बना लिया जाए जो ऑथेंटिक भी हो और मज़ेदार भी हो। तो आज हम बनाएंगे हलीम। हलीम बेसिकली दो तरह की होती है, एक चिकन हलीम और दूसरी बीफ। ठीक है जी, दोनों की रेसिपी जो है वो मुख्तलिफ़ है। तो हम आज बनाने जा रहे हैं चिकन हलीम, और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो अनाज चाहिए, ये मेरे सामने हैं। आइए देखते हैं। चने की दाल मैंने 250 ग्राम ली है यहाँ पर, और 100 ग्राम जो है बाकी मैंने अनाज लिए हैं। मूंग की दाल है 100 ग्राम, 100 ग्राम चावल है, 100 ग्राम जो है माश की दाल ली है, ठीक है, और 100 ग्राम ही मैंने मसूर की दाल ली है। और गंदम मैंने लेनी थी 250 ग्राम, लेकिन मेरे पास गंदम अवेलेबल नहीं थी, और मैंने गंदम की जगह पे दलिया जो था मोटा कुटा हुआ दलिया मेरे पास अवेलेबल था, मैं 250 ग्राम दलिया जो है डाल रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास मैदा है, ये मैं 250 ग्राम यूज़ करूँगी, वो बाद में यूज़ होगा, लेकिन मेरे इन्हीं अनाज के अंदर ही शामिल है। ठीक है, ये सारे अनाज हैं जो कि मैंने ओवरनाइट भिगो के रख लिए थे। मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने डाल के क्वान्टिटी रखी है। ठीक है जी, इनको सबको मैंने ओवरनाइट जो है इनको सोख करके रख दिया हुआ था। ठीक है, ये मेरी भिगो के जो रखी हुई दालें थी, पानी मैंने उनका ड्रेन कर लिया है, अच्छे से वॉश करके पानी ड्रेन करके ये मैंने रख लिया है। ये टोटल अनाज मेरे पास जो थे 1 किलो बन गया थे, और इनको मैं अभी पानी शामिल करके दालें पकने के लिए रख दूँगी। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 1 किलो टोटल दालें हैं, और 1 किलो दालों के अंदर 5 लीटर पानी जो है वो मैं ऐड करूँगी। ठीक है जी, फ्लेम को मैंने फुल करके ऑन कर लिया है, और दालों को मैं बॉयल आने तक ढक कर पकाऊँगी। जब तक कि मेरी दालों में बॉयल नहीं आ जाता, आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बरवक्त मिलता रहे। इसके साथ साथ इंस्टा और फेसबुक पे भी मैं ब्लॉगर बी के नाम से मेरी आईडी है, प्लीज़ उसको भी फॉलो कीजिएगा। ठीक है जी, सेकेंड स्टेप में शुरू करती हूँ। ये मसाले हैं जो मैं तैयार करूँगी। 6 मोटी इलायची मैंने ले ली है यहाँ पर, और 6 ही मैंने सब्ज़ी इलायची ले ली है, 3 बादियान के फूल ले लिए हैं मैंने, 3 चम्मच जो है मैं इसके अंदर जीरे के डालूंगी, सफ़ेद जीरा है ये, काली साबुत मिर्च मुझे चाहिए थी लेकिन वो मेरे पास अभी साबुत अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको पाउडर फॉर्म में बाद में ऐड कर लूँगी। ये मसाले हैं, इनको मैं पीस लूंगी। ठीक है जी, 1.5 चम्मच जो है काली पिसी हुई मिर्च जो है मैं इसके अंदर शामिल कर लेती हूँ, और ये मेरा मसाला तैयार हो चुका है। ठीक है, इसको मैं साइड पे रख लेती हूँ मिक्स करके, ताकि जब मैं हलीम का कोरमा तैयार करूँ तो उसके अंदर मैं ऐड कर सकूँ। दालें यहाँ पे पक रही हैं, बॉयल इनके अंदर आ चुका हुआ है। ठीक है, इस स्टेज पे मैं अब अपना फ्लेम जो है इसको मैं स्लो कर दूंगी, और अगेन मैं इनको पकने के लिए रख दूंगी। अब मेरा सेकेंड स्टेप शुरू होता है, इसके अंदर मैं जो हलीम का कोरमा है मैं वो तैयार करूंगी। 1/2 किलो प्याज मैंने ले लिए थे, और इसको मैंने बारीक काट लिया था। 1 लीटर ऑयल जो है इसको मैंने गरम किया है, और इसके अंदर मैं जो अपने प्याज हैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। ठीक है, ये मेन जो इस पूरी रेसिपी का मेन पार्ट है वो प्याज होते हैं, और प्याज बहुत अच्छे फ्राई होने चाहिए, क्रिस्पी और मज़े के, जले हुए नहीं होने चाहिए और कच्चे भी नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, साथ साथ मैं अपनी दालों को भी चेक करती रहूँगी, इससे मुझे यहाँ पे कोई जल्दी नहीं करनी है, मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इनको पकाना है। प्याज मेरे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए कितना मज़ेदार सा गोल्डन कलर आया है इनका,
बस हम मेक श्योर कर लेंगे कि इसके अंदर कोई प्याज कच्चा ना रह जाए। अगर वो कच्चा रह जाता है तो क्या होता है कि वो सॉगी हो जाता है और वो उसके अंदर क्रंच नहीं आता, वो मज़े का नहीं लगता। अच्छे से सारे प्याज जो है हमने फ्राई कर लिए और इनको हम ड्रेन कर लेंगे और निकाल लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने लिया था 50 ग्राम, मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है और 50 ग्राम ही मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, ठीक है। इनको मैंने इकट्ठा फ्राई जो है वो पेस्ट बना लिया था। अब इसी ऑयल के अंदर जिसमें मैंने प्याज फ्राई की है, इसी ऑयल के अंदर मैं अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करूँगी, ठीक है जी। फ्राई हो चुका है लहसुन और अदरक, और यहाँ पर मैं चिकन है और ये मेरे पास 2 किलो चिकन है, हड्डी के साथ मैं ले रही हूँ। अगर आप लोग हड्डी के बगैर लेते हैं तो आप 1 किलो यूज़ कीजिए, मैं चूँकि हड्डी के साथ ले रही हूँ तो मैंने 2 किलो चिकन लिया है। इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। दरमियानी आंच पे मैंने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे मैं मसाला ज़्यादा ऐड करूँगी इसके अंदर। ये सुर्ख मिर्च मैंने ली है, कश्मीरी मिर्च, और 2 चम्मच भर के मैंने कश्मीरी मिर्च के, लाल मिर्च के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। हल्दी लूँगी 1 चाय का चम्मच, नमक जाएगा 1.5 खाने का चम्मच, ठीक है। ये जो मैंने मसाले तैयार किए थे अभी आपके सामने, इनमें से 2 खाने के चम्मच भर के मैं मसाले इसके अंदर शामिल कर दूंगी और बाकी जो है वो मैं बचा के रखूंगी, वो बाद में हम ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास सिट्रिक एसिड जिसे टार्टरी भी कहते हैं वो मेरे पास है, और मैं ये एक टीस्पून से भी थोड़ा कम है जो वो मैं इस पर ऐड कर रही हूँ। ये बड़ी मेन इस मेरी रेसिपी का जो है ना वो जो इंग्रेडिएंट है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है कोरमे की। और ये कोई झटपट वाली रेसिपी नहीं है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जैसे कि प्रोफेशनल्स ये देगों वाले बनाते हैं, देगी हलीम है ये, और बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको बना रहे हैं। प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन ये कि जायका और बिल्कुल आपको वैसे ही फील होगा कि जैसे आप किसी देग से बनी हुई हलीम या मार्केट से बनी हुई हलीम खा रहे हैं, ठीक है जी। इसके अंदर मैंने 1/2 लीटर पानी शामिल करके इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। आधा घंटा मैं इसको पकाऊंगी कोरमे को, साथ साथ मैं अपनी दालों को भी चेक कर लेती हूँ। कोरमे की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और कोरमा मैं चेक कर रही हूँ कि माशाल्लाह गल भी चुका है, 30 मिनट्स हो चुके हैं और मैंने इसको दम की आंच पे पकाया है। ये देखिए इस स्टेज पे मैंने चेक किया है तो ये चिकन जो मेरा बहुत अच्छे से गल चुका हुआ है। जो ऑयल है, एक्सेस ऑयल है, इसको मैं साइड पे कर लूँगी, निकाल लूँगी किसी अलग बर्तन के अंदर। ये भी हमने आगे जाके ये ऑयल दोबारा हमने ऐड करना है, इसलिए हम इसको अभी फ़िलहाल साइड पे कर रहे हैं। और ये जो चिकन है इसको मैं मैश कर लूँगी और हड्डियों से अलग कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से इसको मैश कर लीजिए, ठीक है जी। चिकन मैंने मैश कर लिया,
और ये भी मेरा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। अब मैं अपना अगला स्टेप जो है वो शुरू करूँगी। ठीक है, दालें मेरी गल चुकी हुई थी और इनको मैंने ठंडा कर लिया है अच्छे से। जब ये ठंडी हो गई है तो मैंने आपको बताया था कि 250 ग्राम जो मैदा मैंने लिया है, अब इन दालों के मिक्सचर के अंदर मैं ये मैदा ऐड करूँगी। 250 ग्राम मैदा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये घुटनियाँ बन रही हैं लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है। वो जो देगों वाले होते हैं उनके पास तो मशीन होती है, वो उसके साथ करते हैं, लेकिन हमारे पास घर पे तो ऑब्वियसली मशीन अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको ब्लेंडर में ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक टीस्पून, बल्कि हाफ टी स्पून है ये मैं जर्दे का रंग ऐड करूँगी इसके अंदर, संदली रंग होता है, इसको मैं ऐड करूँगी ताकि दालों का अच्छा सा कलर जो है वो बदल जाए, अदरवाइज़ वो दालें जो होती काली काली सी होना शुरू हो जाती हैं पकने के बाद। ठीक है, एग्जैक्टली वही कलर आ रहा है जो हम बाहर से हलीम खाते हैं तो उसके अंदर होता है। ठीक है, इनको मैं ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप लोगों के पास घर पे मशीन हो तो आप मशीन से भी कर सकते हैं, फिर आपको ज़रूरत नहीं है अलग से गोश्त को रिशे करने की। आप गोश्त भी शामिल करें और साथ ही मशीन के साथ इसको ब्लेंड कर लें दालों को। मैंने ब्लेंडर में डाल के कर लिया है। ठीक है, अब दोबारा से मैं इसको पतीले में ऐड करूँगी ब्लेंड करके, और इसको मैं ऐड करूँगी। और जो मेरा मैश किया हुआ कोरमे का चिकन था, हड्डियों से अलग मैंने कर लिया हुआ था, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। चिकन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और फ्लेम को हम फुल करके इसको दोबारा से पकाएंगे। ठीक है, कोरमे के अंदर से जो हमने ऑयल निकाला था, इस स्टेज पे हम दोबारा से वो ऑयल इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसके साथ साथ वो जो मसाला था जो मैंने ग्राइंड किया था, हाफ मैंने पहले इसमें शामिल कर लिया था कोरमे के अंदर, और हाफ जो है वो मैं स्टेज पर इसके अंदर शामिल करूँगी। फुल फ्लेम पे हम इसको दोबारा से इसकी पकाई करेंगे। और कम से कम 40 से 45 मिनट तक हमने इसको पकाना है। चम्मच निकाल देंगे और इस स्टेज पे हम घोटने का इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल काम है। वैसे आपको एक यहाँ पे एक टिप दे देती हूँ, घोटा लगाते वक्त किसी ऐसे शख्स को सोचना शुरू कर दे जिस पे आपको गुस्सा हो, तो मेरा ख्याल है कि घोटा काफ़ी अच्छा लग जाएगा। और इसी टिप को जहन में रखते हुए 45 मिनट तक आपने हलीम को घोटना है। ठीक है जी, मिलते हैं 45 मिनट के बाद। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा टेक्सचर आया है हलीम का और गुस्से वाले घोटे का भी, और काफ़ी मज़ेदार हलीम तैयार हो गई है। टेक्सचर भी वही है जो देगी हलीम का होता है, तो मज़े की चटपटी हलीम रेडी है, इसको डिश आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने हरा कुतरा सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है, जो प्याज फ्राई की थी वो स्प्रिंकल कर दी है, साथ में जूलियन कटी हुई अदरक है और हरा धनिया, उसके साथ मैंने गार्निश किया है लीमू के साथ, और कुछ चाट मसाला डालूंगी इसके ऊपर। फ्रेंड्स, घोटने वाला तो एक मजाक था। खाना कोई भी पकाएं, दिल से और चाहत से पकाएं और अच्छे मूड में पकाएं। खाने में जायका भी आएगा, आपकी वाह वाह भी हो जाएगी। अगर आपका मूड अच्छा नहीं होगा तो खाना भी अच्छा नहीं बनता। हेल्दी बनाइए और हेल्दी खिलाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और कॉमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आप लोगों का एक लाइक जो है ना, वो हमारी हौसला अफजाई करता है और हमें मोटिवेट करता है। ठीक है जी, इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।